हेलो स्टूडेंट, नाउ इन दिस वीडियो वी आर स्टडिंग अबाउट चैप्टर नंबर 12। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम है पोल्यूशन। तो आपने जो वर्ड है पोल्यूशन, ये सुना ही होगा कि पोल्यूशन का मतलब क्या होता है, कि जैसे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जैसे अर्थ हो गई, अर्थ पे सोइल हो गई, ठीक है, और एयर हो गया, ठीक है, लैंड हो गए, ये जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, तो इनमें जो इनकी नेचुरल प्रॉपर्टीज़ होती है, ठीक है, तो उसमें किसी न किसी प्रकार के चेंजेज होने लगते हैं जिनकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है। मतलब इनकी जो नेचुरल प्रॉपर्टी है वो ख़त्म होने लग जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन। तो पोल्यूशन इज़ द कॉन्टेमिनेशन ऑफ ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। कॉन्टेमिनेशन का मतलब क्या होता है, खराब हो जाना, ठीक है, प्रदूषित हो जाना ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, जैसे रिवर हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट हो गए, लैंड हो गई, सोइल हो गई, ठीक है, और एयर होगी, तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, प्रकृति से हमें मिले हैं। दैट कॉजेज एडवर्स चेंजेज इन ओवर एनवायरमेंट। तो पोल्यूशन क्या होता है कि कॉन्टेमिनेशन ऑफ ओवर नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं तो उनमें किसी प्रकार का कॉन्टेमिनेशन हो जाता है, मतलब वो अपनी नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है उसको खो देते हैं, उनमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ उनमें मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होने लग जाता है, दैट कॉजेज एडवर्स चेंजेज। एडवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा प्रभाव, ठीक है, इन ओवर एनवायरमेंट, जिसकी वजह से हमारे एनवायरमेंट में, ठीक है, तो उनके उल्टे परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, उनसे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ये किसकी वजह से होता है, पोल्यूशन की वजह से। तो पोल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हो गए तो उनमें जो कॉन्टेमिनेशन हो जाता है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, उनमें वो प्रदूषित हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें एनवायरमेंट में उनके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं, उनके उल्टे प्रभाव या उनके दुष्परिणाम में जो देखने को मिलते हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पोल्यूशन। सो देयर हैज बीन ए वेस्ट चेंजेज इन एनवायरमेंट इन द रिसेंट ईयर ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ टाउन्स। सो ये सब जो हमारे पास में जो पोल्यूशन कब बढ़ा है, कि एक बहुत अभी जो रिसेंट ईयर है उसमें हमारे जो पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। किसकी वजह से बढ़ गया है, ड्यू टू द लार्ज अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वेरियस टाउन्स, जिसकी वजह से क्या है कि जो ये पोल्यूशन बढ़ा है वो इसकी वजह से बढ़ा है कि जो हमारे जो नए नए कस्बों का निर्माण हो रहा है, जो हमारे पहले कस्बे थे, जो टाउन्स थे, वो पहले छोटे थे, वो डे बाई डे वो बढ़ रहे हैं, उनका जो स्पेस है वो डे बाई डे बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे पेड़ों को काट रहे हैं, और ठीक है, और जिसकी वजह से जो लैंड है तो वो क्या, उसमें बहुत सारे जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से जो लैंड है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो ये जो हमारे पास में जो रिसेंट ईयर में जो हमें देखने को मिल रहा है कि जो हमारे पास में पोल्यूशन हो रहा है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होता है, हो रहा है कि जो हमने जो हमारे टाउन्स है, ठीक है, तो उनमें हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया या उनका बहुत बड़ा विस्तार हो गया, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ट्रीज हैव बीन कट डाउन टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज, ठीक है, तो हम जैसे जो टाउन्स बनते हैं, सिटीज़ बनती है, तो उसके लिए हमें पेड़ों को काटना पड़ता है, ठीक है, बहुत सारी बिल्डिंग्स आती है उनको भी हमें तोड़ना पड़ता है, ठीक है, और रोड को तोड़ना पड़ता है। फैक्ट्रीज हैव बीन सेटअप टू इंक्रीज द प्रोडक्शंस, तो हमें जैसे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फैक्ट्रीज़, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फैक्ट्रीज़ को हम बनाते हैं, उनको लगाते हैं, सेटअप करते हैं उनके लिए, तो उसकी उससे भी बहुत सारा हमारे पास में पोल्यूशंस होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम चार टाइप के जो हमारे पास में पोल्यूशंस होते हैं, जैसे पहला होता है एयर पोल्यूशन, हवा में जो पोल्यूशन होता है उसको एयर पोल्यूशन बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, जो पानी के अंदर जो पोल्यूशन होता है उसको वाटर पोल्यूशन बोलते हैं, लैंड पोल्यूशन, जो ज़मीन के अंदर पोल्यूशन होता है उसको लैंड पोल्यूशन बोलते हैं, और नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है, नॉइज़ का मतलब होता है जो हमारे नॉइज़ से जो पोल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन। नाउ वी स्टडिंग अबाउट द फर्स्ट पोल्यूशन, दैट इज़ एयर पोल्यूशन। हम सबसे पहला वाला जो पोल्यूशन का जो टाइप है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है एयर पोल्यूशन। एयर का मतलब क्या होता है, हवा। हवा में जो पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन है वो हमारे पास में जो जितने भी जो फॉसिल फ्यूल्स हो, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गए, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, ठीक है, तो इनको हम जैसे ही इनको जलाते हैं, इनसे जो बर्निंग होती है, तो उसकी वजह से जो हवा है उसमें जो कुछ ऐसी हार्मफुल गैसें उसमें मिल जाती है, जैसे फ्रियोन्स गैसें हो गई, इसी का सल्फर डाइऑक्साइड गैसें हो गई, तो ऐसी कुछ गैसें उसके अंदर मिल जाती है, जिसकी वजह से जो हवा है वो प्रदूषित हो जाती है या कॉन्टेमिनेट हो जाती है। तो इस प्रकार के पोल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशंस।
सो द मेजर जो हमारे पास में जो एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है, तो वो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो जल बर्निंग होती है, ठीक है। तो ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं व्हीकल्स के द्वारा, ठीक है, पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ बिजली वगैरह बनती है वहाँ पर, और अदर जो इंडस्ट्रीज एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत सारा हमें पोल्यूशन हमें देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। तो हमारे जो फैक्ट्रीज होती है उनके जो एग्जॉस्ट होते हैं जहाँ से जो हार्मफुल गैसें बाहर निकलती है, ठीक है, तो वो भी हमारे जो एनवायरनमेंट में जो एयर है उसमें मिल जाती है, और जो एनवायरनमेंट में जो बिल्कुल प्योर हवा है, ठीक है, प्योर एयर है, तो उसको ख़राब कर देती है। तो वो जैसे हम ब्रीथिंग करते हैं, हम सांस लेने के लिए उस जो हमारे हमारे पास में जो उस गैसेज को हम काम में लेते हैं, ठीक है, तो उनसे वो हम हार्मफुल गैसें हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से भी हमें बहुत सारा नुकसान हमें देखने को मिलता है। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट की मेजर प्रिकॉशन दैट वी फॉलो ड्यूरिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब उससे बचाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन कौन सी स्टेप हमें फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहली स्टेप हमारी यही है कि गेट द व्हीकल्स चेक्ड फॉर पोल्यूशन ऑन ए रेगुलर बेसिस। हमें टाइम से टाइम क्या है कि हमारे जो व्हीकल्स है, ठीक है, तो उनसे कितना पोल्यूशन हो रहा है, तो उसके हमें उससे हमें उसका हमें रेगुलर हमें टेस्ट कराना चाहिए कि जो हमारा व्हीकल है वो ओके है या नहीं है, मतलब वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास में पहला प्रिवेंशन का पॉइंट हो गया कि हमारे पास में जितने भी व्हीकल्स होते हैं तो उनका रेगुलर हमें पोल्यूशन चेक कराना चाहिए। पहला प्रिवेंशन का जो स्टेप्स, पहली स्टेप तो ये होगी। सेकेंड स्टेप होगी यूज़ कारपूल, हमें कारपूल की जो सर्विस है वो हमें यूज़ करनी चाहिए। और थर्ड हमारे पास में प्रिवेंशन की जो मेथड है वो ये स्टेप्स ये है कि यूज़ पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो हमारे पास में पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जैसे बस वगैरह, ठीक है, ट्रेन वगैरह, और भी जो पब्लिक मोड के जो टैक्सी वगैरह, वही हमें यूज़ करनी चाहिए। हमारे सेल्फ के हमारे खुद के जो व्हीकल्स हैं उनको हमें कम काम में लेना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में जो स्टेप्स है वो ये है कि फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम द सिटी। जो हमारे पास में फैक्ट्रीज होती है, इंडस्ट्रीज होती है, तो उनको हमें सिटी से दूर रखना चाहिए। वो सिटी के पास में रहेगी तो उस वाले एरिया में पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा, अगर वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तो आउट ऑफ सिटी उनको सेटअप करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। तो ये कुछ ऐसे प्रिवेंशन के मेथड्स होते हैं जिनके द्वारा हम ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास में जो एयर पोल्यूशन है, ठीक है, तो उसको हम रोकने के लिए ये हमारे पास में कुछ स्टेप है जिनको हमें फॉलो करना चाहिए कि हमारे पास में जो व्हीकल्स है उनको रेगुलर टाइम पर उनका चेकअप कराना चाहिए, उनको चेक करना चाहिए, और कारपूल की सर्विस को यूज़ करना चाहिए, पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करना चाहिए, और जो फैक्ट्री जो इंडस्ट्रीज होती है, ठीक है, तो उनको आउट ऑफ सिटीज़ उनको सेटअप करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि एयर पोल्यूशन क्या होता है, कि जो हमारे हवा होती है, ठीक है, जो उसके हवा के अंदर किसी प्रकार की कंटेमिनेशन हो जाता है उसको हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है और एयर पोल्यूशन को प्रिवेंशन करने के लिए हमें कौन कौन सी स्टेप्स को फॉलो हमें करना चाहिए।